फारूक अब्दुल्ला ने आपको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहा है। फारूक साहब से कहो डरो मत। जमात के साथ इन बुनियादों पर क्या रहेगा इस एलायंस? इलेक्शन के जो हमारा अलायंस है उसकी बुनियाद खुलूस में है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर और कश्मीरों की बात करें, कश्मीर मसले के हल के लिए कोशिश की जाए, जो इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और नई दिल्ली को पुरअमन मुजाकरात के लिए आमादा किया जा सके। उसके लिए इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी उम्मीदवार है हम उनकी हिमायत करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ वो हमारी हिमायत करेंगे, जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों के वक्त की कमी थी वहाँ पर एक फ्रेंडली कंटेक्स्ट होगा। शुक्रिया। आज शुरू से ही एनसी और पीडीपी आपकी मुखालिफ रही है, आज फिर फारूक अब्दुल्ला ने आपको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहा है। सीधी बात है, उनको डर बहुत लग रहा है। फारूक साहब से कहो डरो मत, हिम्मत करो, कोई बात नहीं, आपने बहुत देखा तब्दीली आने वाली है। फारूक साहब अपने उठपटांग बयानों से उस तब्दीली को रोक नहीं सकते।